चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब एक्शन फिल्मों को छोड़कर रोमांटिक फिल्मों की तरफ मूव हो चुके हैं। तभी तो उनकी फिल्में हमेशा रोमांटिक ही होती है और उनका रोमांटिक अंदाज भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आता है। अब वो एक्शन फिल्मों को छोड़कर रोमांटिक फिल्मों ज्यादा करते हैं। इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव का एक और नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार खेसारी लाल यादव एक बार फिर से भोजपुरी की डायनेमिक डायरेक्टर रजनीश मिश्रा के साथ एक और नई फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है बलामुआ कैसे तेजब। जी हां, आपको बता दें जिसका खुलासा रजनीश मिश्रा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आकर जानकारी दिया है। आपको बता दें कि रजनीश मिश्रा के साथ खेसारी लाल यादव ने दो फिल्में पहले ही कर चुके हैं जिसमें उनका अंदाज भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था। मैं सेहरा बांध के आऊंगा और मेहंदी लगा के रखना ने खेसारी लाल यादव और रजनीश मिश्रा की जोड़ी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था। अब एक बार फिर से रजनीश मिश्रा ने अपनी फिल्मों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ा है जिसका नाम है बलामुआ कैसे तेजब, जिसमें खेसारी लाल यादव एक बार फिर से रोमांटिक अंदाज में नजर आने वाले हैं जो महिला शक्तिकरण के आधारित पर फिल्म होने वाली है। अब देखना यह है कि इस फिल्म में कौन सी अदाकारा खेसारी लाल यादव के अपोजिट काम करेगी। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक खुलासा नहीं किया गया है कि बलामुआ कैसे तेजब में खेसारी लाल यादव के अपोजिट कौन सी अदाकारा काम करेगी। अब देखना यही होगा कि इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू किया जाएगा। हालांकि इसका जानकारी अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि एक बार फिर से रजनीश मिश्रा और खेसारी लाल यादव की जोड़ी का नया धमाकेदार फिल्म बलामुआ कैसे तेजब का अनाउंसमेंट से ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जोर शोर से हल्ला हो चुका है।